हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल एट द चंडीगढ़ करियर ग्रुप। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज और ये जो सीरीज होगी ये करंट अफेयर के ऊपर होगी। हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सर, हम करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे, थोड़ी सी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये जो करंट अफेयर होगा ये सब्जेक्टिव होगा। सर, सब्जेक्टिव होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि इसको हम थ्योरी के रूप में देखेंगे। ओके, तो अब आपके मन में ये आ सकता है, सर आप हम थ्योरी के रूप में देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है और किस पॉइंट से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, राइट? तो बेसिकली जो है मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे ये होगी कि एक तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ, एक तो मैं आपको क्या करूँगा सर, थ्योरी बताऊँगा, अलॉन्ग विद डैट जो है वहाँ उस थ्योरी में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये भी हम कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर कि हमने तो ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो है जितने भी बाकी जगह ऐसा चलता है करंट अफेयर की वहाँ पे MCQ के रूप में करवाया जा रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करवा रहे हो? तो इसके पीछे के रीजंस हैं। रीजंस सबसे पहले आपको ये देखने मिल जाएंगे सर, जो कवरिंग है, क्या देखने मिल जाएगा, जो कवरिंग है करंट अफेयर की वो MCQ में काफ़ी कम हो जाती है। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं, जब हम थ्योरी को देखते हैं तो थ्योरी को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। MCQ में हम ये जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, लेकिन समटाइम आपको ये देखने मिल जाएगा कि एग्जाम के अंदर जो है बहुत ही कॉर्नर की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। और आपने यदि थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है उसको तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, राइट? अब दूसरा सर आपको जो है रीजन ये देखने को मिल जाएगा। पहला रीजन तो क्या देखने मिल जाएगा कि कवरिंग ऑफ द करंट अफेयर। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, सेकंड रीजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सर कहीं ना कहीं इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी, इससे कहीं ना कहीं आपकी जो है रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी। और आप जब अपने थ्योरी पोर्शन को कवर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है। तो ना ये सिर्फ आपके करंट अफेयर में या फिर डायनेमिक पोर्शन में हेल्प करेगा, लेकिन आपका एक माइंडसेट भी फ्रेम करेगा कि सेल्फ स्टडी में जब आपके पास कोई भी मंथली कंपाइलेशन है तो आप उसमें से कैसे जो है काम का मटेरियल बाहर निकाल सकते हो, राइट? अब हम बात करते हैं सर कि ये बेसिकली हम करेंगे किस फॉर्म में। बेसिकली ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने शो कर रहा हूँ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, PPT प्रेजेंटेशन है, और अराउंड आपको 26 to 27 आपको इसकी स्लाइड्स देखने को मिल जाएगी। अब ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे पढ़ोगे आप सारा का सारा रिटेन कर पाओ। अलॉन्ग विद दैट या तो आप ये कोशिश करोगे कि आप नोट्स बनाने की साथ में कोशिश करोगे, और नोट्स बनाने की यदि आप कोशिश करोगे तो अराउंड जो है ये 20 मिनट की जो वीडियो होगी यही आपकी 60 मिनट की वीडियो बन जाएगी, राइट? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जो है या तो आपके पास एक सॉल्यूशन ये है कि आप PPT की प्रिंटआउट निकलवा लो, तो 26 तारीख एक वीडियो की जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्रिंटिंग पेज देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए जो हमने क्या किया है इसको जो है PDF के रूप में क्या किया है, डिज़ाइन किया है। तो सर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये देखने को मिलेगा कि आपको ज्वाइन करना है चंडीगढ़ करियर ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है PDF की फॉर्म में जो है ये जो PDF होगी ये बेसिकली प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और इसको बाद में आप प्रिंट भी कर सकते हो और नंबर ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, राइट? तो इसके लिए आपको जाना कहाँ पे है, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे जो आपको जाना, इस लिंक को भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि बहुत सारी फाइलें पहले से पड़ी हुई है जो आपके काम की हो सकती हैं। और ये सारी सारी इंस्ट्रक्शंस के साथ हम कहीं ना कहीं इस नए इनिशिएटिव को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम कैटेगरी वाइज करंट अफेयर करने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्टिव रूप में करंट अफेयर को कोशिश करेंगे कवर करने की। और ये जो करंट अफेयर है ये रेलिवेंट है CDS एग्जाम के लिए, NDA एग्जामिनेशन के लिए और CAPF एग्जामिनेशन के लिए, अलॉन्ग विद दैट जो आपका FCAT का एग्जामिनेशन है इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सर करते हैं हम स्टार्ट। तो सर सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा पहली न्यूज है, इसमें यह बोला गया है कि जो हरभजन सिंह है और जुवागल शेरनाथ है इनको अवार्ड की दिया गया है सर, कि ये जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है इसकी इनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है। अब एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, वैसे तो बहुत सारे लोगों को जो है क्या मिली है, मेंबरशिप मिली है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिसेंटली ऐसे कौन कौन से इंडियंस जो है क्रिकेट प्लेयर हैं जिनको MCC जिसको हम क्या कहते हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, राइट, इसकी जो है मेंबरशिप मिली है।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए हरभजन सिंह। क्या आंसर होना चाहिए? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह के साथ में कौन देखने मिल जाएगा? जुवागल श्रीनाथ भी देखने को मिलेंगे। कौन है सर? जुवागल श्रीनाथ। तो ये जो दो पॉइंट है, ये आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या करने हैं सर, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एक आपको क्या देखने मिल जाएगा, एक होंगे हरभजन सिंह और दूसरे आपको देखने मिल जाएंगे जुवागल श्रीनाथ। वहीं पे यदि मैं बात करता हूँ मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, तो बेसिकली इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1838। अब ये जो फैक्चुअल डेटा है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन बट नॉट रेलिवेंट फॉर सीबीएसई एपीएफ एंड एनडीए एग्जामिनेशन। ये नहीं पूछेगा, राइट? और ये लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है ये बेसिकली कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट? और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है सर किसकी, एमसीसी की, ये कौन है? क्लेयर कॉनर आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये फैक्ट्स बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। याद सिर्फ आपको ये रखना है कि जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है इसकी यदि हम बात करते हैं तो हरभजन सिंह और जुवागल श्रीनाथ को जो है मेंबरशिप मिली है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो हमारा क्या है सर स्लाइड है, इसमें बोला गया है जो वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप है, क्या देखने मिल जाएगा? जो वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप है इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर की टीम को क्या मिला है सर, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन को क्या किया है, कैप्चर किया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो है आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में जो है पहला रैंक सर किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का आपको पहला रैंक देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने जो है हासिल की है। ये हुआ कहाँ था सर? ये पेरिस जो वर्सलिस है सर फ्रांस के अंदर, वहां पे जो है ये सारा का सारा इवेंट जो है ये कंडक्ट किया गया था। और ये जो चैंपियनशिप थी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ है, इन्होंने सर इसको ऑर्गेनाइज किया था और 1924 में जो है इसको फाउंड किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे ये बोला गया है सर कि जो रोजना जोरा चेस टूर्नामेंट है, तो एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन क्या बन गया सर, जो एफकैट का एग्जामिनेशन है, कि जो रोजना जोरा जो है ये कब, कौन से जो है, किसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सी गेम्स के साथ एसोसिएटेड है, तो ये चेस के साथ एसोसिएटेड है। ये सर किसने जीता है, ये आपको देखने मिल जाएगा। पी आई एन जो है इन्होंने ये क्या किया है, इस टूर्नामेंट को जीता है, राइट? तो यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो फिफ्थ रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हुआ है सर्बिया के अंदर, इसके जो है इसको जीता किसने है, पी आई एन ने जीता है, याद रखना है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर ये कंडक्ट किसके द्वारा करवाया गया था, इसको कंडक्ट करवाया गया था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं सर, जिसको हम फीडे भी कहते हैं। अब एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फीडे को फाउंड कब किया गया, फीडे जो है बेसिकली इसको फाउंड किया गया इन द ईयर ऑफ 1924, कहाँ पे सर, पेरिस के अंदर फाउंड किया गया, जो कि कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिल जाएगा, लोजैन स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। बस दो पॉइंट याद रखने, प्रेसिडेंट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसी का हम प्रेसिडेंट याद रखेंगे। तो एग्जाम के लिए क्या है, रुजना जोरा ने सर चेस टूर्नामेंट जीता, सबको पता है, लेकिन जो रुजना जोरा जो है चेस टूर्नामेंट है सबको पता है, लेकिन जीता किसने है, पी आई एन ने जीता है, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, बीबीएल के बारे में बात करते हैं, तो बीबीएल आपको क्या देखने मिल जाएगा, जैसे इंडिया में आईपीएल होता है वैसे ही जो है ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है इसको हम क्या कहते हैं, बिग बैश लीग कहते हैं। और इसमें जो है फर्स्ट इंडियन कौन है जो कि क्या करेंगे सर, पार्टिसिपेट करेंगे, उनका नाम क्या होगा, उन्मुक्त चंद होगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा फर्स्ट कौन सा इंडियन मेल क्रिकेटर है जिसने जो है बीबीएल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, उन्मुक्त चंद आपका आंसर होना चाहिए। और जो आपको क्या देखने मिल जाएंगे, जो मेलबोर्न रेनेगेड्स जो टीम है इसने इनको क्या किया है, इनको जो है साइन किया है। और इन्होंने क्या किया था सर, उन्मुक्त चंद ने 2012 का जो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था ये इंडिया को जिताया था, और इंडिया के अंदर ये बेसिकली दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। लेकिन अर्लियर अगस्त में इन्होंने क्या किया था सर, अनाउंसमेंट जो है घोषित कर दी थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं AIBA जो मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है सर, जो AIBA ये बेसिकली जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये बॉक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पे हुई है सर, बेलग्रेड में हुई है। कहाँ पे हुई है, बेलग्रेड में हुई है सर्बिया के अंदर। इसमें जो है किसने जो है क्या किया है सर, जीता है ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की तरफ से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आकाश कुमार आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ से हमें ये पॉइंट भी समझना है कि जो आकाश कुमार है ये सर
कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये एसोसिएटेड हैं बेसिकली बॉक्सिंग के साथ में, एफकेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये बेसिकली जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा, जो आकाश कुमार हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दो 2021 का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है बेलग्रेड सर्बिया के अंदर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कप की, तो एग्जाम में जो है पहला आपको क्या देखने मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट यही मिलेगा कि ये जो प्रेसिडेंट जो कप है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। जो प्रेसिडेंट कप है इट इज एसोसिएटेड विद द, ये देखने मिल जाएगा शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द शूटिंग के साथ जो है एसोसिएटेड है। और आपको क्या देखने मिल जाएगा, जो मनु भाकर है और जावेद फरोगी है, इन्होंने क्या किया, सर इन्होंने जो है प्रेसिडेंट जो कप है इसको जीता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, सर ये जो प्रेसिडेंट कप है ये हुआ कहाँ पे था, जो वॉर क्लॉक जो पोलैंड के अंदर है यहाँ पे ये टूर्नामेंट को जो है इनॉग्रेट किया गया था, ये आपको जो है पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो जो फीमेल में जो है मनु भाकर ने क्या किया है, जो ये शूटिंग टूर्नामेंट जीता है, राइट, पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, TCS के बारे में बात करते हैं, TCS stands for सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने सर ज्वाइन कर लिया है, जो आपको क्या देखने मिल जाएगी, जो जैगुआर है सर, क्या देखने मिल जाएगा, जो जैगुआर जो फॉर्मूला जो है फॉर्मूला रेसिंग के अंदर जो है क्या करती है सर, पार्टिसिपेट करती है, इनका जो क्या बन जाएंगे सर, इनके पार्टनर बनेंगे इंडिया की TCS। पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो जैगुआर फॉर्मूला ई का पार्टनर कौन बना है, तो एग्जाम्पल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि TCS इसका जो है क्या बने हैं, पार्टनर बने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, राशिद खान जो है ये सर क्या बन गए हैं, यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 विकेट लिए हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पूछने वाला, राइट, लेकिन बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो राशिद खान है ये यंगेस्ट बॉलर है सर जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर 400 विकेट जो है हासिल किए हैं, राइट। और इनका 400th जो विकेट थे ये कौन थे, मार्टिन गप्टिल थे, और मार्टिन गप्टिल जो है क्या देखने मिल जाएगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, स्लाइड ही होगी। यदि हम बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर पहले आपको ये पता होना चाहिए मैक्स वर्स्टैपन जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये फॉर्मूला जो वन रेसिंग है इसके साथ जो है एसोसिएटेड है, और इन्होंने सर मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ये याद नहीं रखना है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीता है, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये पता होना चाहिए जो मैक्स वर्स्टैपन है ये बेसिकली कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। तो ये बेसिकली जो है कार रेसिंग के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो है गाड़ी कौन सी चलाते हैं, रेडबुल गाड़ी चलाते हैं, और जो है नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और वहीं से एक और आपको याद रखना है सर कि लुइस हैमिल्टन, जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज जो गाड़ी है इसको चलाते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें ये बोला गया है जो मनिका बत्रा है और अर्चना कामत है, इन्होंने सर क्या किया है, जो वर्ल्ड टेबल टेनिस जो कंटेंडर जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था इसमें जो है इन्होंने क्या किया सर, इसको जो है जीता है। तो ये दोनों जो है डबल्स में खेलते हैं, यदि हम बात करते हैं मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत के बारे में, तो ये दोनों सर किसके साथ एसोसिएटेड है, दे बोथ आर एसोसिएटेड विद द टेबल टेनिस, एग्जाम के लिए याद रखना जो ये टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। और जो WTT कंटेंडर टूर्नामेंट हुआ था ये बेसिकली कहाँ पे हुआ था, स्लोवेनिया के अंदर हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो इंडिया के क्या है सर, तजामुल इस्लाम है सर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसके अंदर, जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। तो तजामुल इस्लाम किसके साथ एसोसिएटेड है, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के साथ एसोसिएटेड है, और इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने जो है ये बेसिकली जीता है। यदि हम बात करते हैं सर संकल्प गुप्ता की, तो संकल्प गुप्ता जो होंगे ये 71st इंडिया के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर सर किसी में बनते हैं, चेस में बनते हैं, जो चेस के चैंपियंस बनते हैं उनको हम ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो संकल्प गुप्ता जो है 71st हमारे क्या होंगे सर, ये जो है ग्रैंड मास्टर होंगे। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं ये जो प्रेसिडेंट कप हमने देखा था, राइट, तो इसमें जो है बेसिकली जो है इंडिया ने क्या किया था, टोटल जो है 5 जो है मेडल जीते थे, ये हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। यदि हम बात करते हैं सर गोल्ड की, तो गोल्ड बेसिकली जो है मनु भाकर, और जो मनु भाकर ने 25 जो रैपिड फायर पिस्टल है और 10 मीटर एयर पिस्टल है इसमें जीता है। इंडिया की तरफ से जो रानी सरनोबत है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने जो है इंडिविजुअल 25 में जो है सिल्वर जीता है। और सौरभ चौधरी ये भी शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने भी 10 मीटर जो है एयर पिस्टल जो है जीता है। वहीं पर अभिषेक वर्मा ने जो है ब्रॉन्ज इसमें जीता है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट,
ये जो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड हैं, ड्वेन ब्रावो ने रिटायरमेंट ले लिया सर इंटरनेशनल क्रिकेट से। सो ड्वेन ब्रावो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? ये एसोसिएटेड है क्रिकेट के साथ में, और जो है बेसिकली ये जो वेस्ट इंडीज जो टीम है इससे ये खेलते थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इसमें ये बोला गया है जो नोवाक जोकोविच है, कौन देखने मिल जाएंगे सर? जो नोवाक जोकोविच है बेसिकली इन्होंने अपना 37th मास्टर टाइटल जीता है, जैसे ये पेरिस 2021 का जो है टाइटल जीतते हैं। तो एग्जाम के लिए बस पता होना चाहिए कि ये जो नोवाक जोकोविच ने बेसिकली जो है ये पेरिस को टूर्नामेंट है इसको जीता है, और बेसिकली ये कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था? ITF के द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा जो है क्या किया गया था, कंडक्ट करवाया गया था। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो यदि हम बात करते हैं इंडिया का पहला नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार हो रहा है इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ये सर कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है ये वाली बात कि जो है फर्स्ट जो है नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। यदि हम बात करते हैं मित्रभा गुहा के बारे में तो ये सर क्या होंगे? ये जो है 72nd जो है हमारे ग्रैंड मास्टर होंगे, राइट? तो जो है 72nd सर कौन है? ये इंडिया के जो है मित्रभा गुहा होंगे, 71st हमने देखा संकल्प गुप्ता होंगे, और जो है 70th कौन थे? राजा ऋत्विक थे, और हर्षित राजा जो है 69 थे। यदि हम बात करते हैं सर वुमेन्स जो क्रिकेट है सर, ये बेसिकली जो है जो बर्मिंगम के अंदर जो है 2022 के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें जो है पहली बार आपको क्या देखने मिल जाएगा कि जो वुमेन का क्रिकेट टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये बर्मिंगम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे हॉल ऑफ फेम की हम बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी आपको क्या देखने मिल जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देखने को मिल जाएगी, इसका हॉल ऑफ फेम देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो महिला जयवर्धने है, शॉन पॉलक और जेनिट ब्रिटिन है, इनको जो है 3 पर्सनैलिटी को इंडक्ट किया गया है इसके अंदर, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तक 106 जो है टोटल प्लेयर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और जब से 2009 से इसको क्या किया गया है सर, लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करते हैं सर, आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है कि होस्ट करेगा ये जो नेक्स्ट 10 जो मेंस के टूर्नामेंट है उनको कौन कौन जो है होस्ट करेगा, राइट? तो सर जो 2024 की आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। 2025 का आईसीसी मेंस जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2000 पाकिस्तान इसको क्या करेगा सर, इसको जो है होस्ट करेगा। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो है कौन करेगा सर? इंडिया और श्रीलंका करेंगे। 2027 का जो होगा 50 ओवर जो है मेन वर्ल्ड कप है इसको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया साथ में होस्ट करेंगे। 2028 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। 2029 का जो है चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। 2030 का जो मेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। और 2031 का जो मेंस 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा इंडिया और बांग्लादेश क्या करेंगे सर, इसको होस्ट करेंगे। यदि हम बात करते हैं आगे क्रिकेट की, तो एबी डिविलियर्स ने सर अनाउंसमेंट रिटायर कर दी है। एबी डिविलियर्स क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, राइट? और ये जो बेसिकली साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, राइट? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया ने क्या किया है सर, जो एशियन आर्चरी जो चैंपियनशिप हुई है इसके अंदर इंडिया ने जो है 7 मेडल जीते हैं 2021 के अंदर। ये बेसिकली सर हेल्ड कहाँ पे हुई है? ये ढाका के अंदर जो है हेल्ड हुई है। और यदि हम रैंकिंग की बात करते हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, और ये जो है सेकेंड प्लेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट पे सर कौन था? फर्स्ट पे जो है साउथ कोरिया था, और बांग्लादेश जो है थर्ड पे देखने को मिल जाएगा, राइट? काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट, इसमें ये बोला गया है सर जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, राइट? तो सर जो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसको किसने जीता है? इसको जो है तमिलनाडु ने जीता है, इन्होंने डिफीट किया है किसको? कर्नाटका को, राइट? काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि हम बात करते हैं सौरभ घोषाल के बारे में, तो इन्होंने क्या किया सर, सौरभ घोषाल ने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। ये कोई नहीं पूछेगा जो मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप है किसने जीती है, लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए जो सौरभ घोषाल है ही इज एसोसिएटेड विद द, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? स्क्वैश के साथ एसोसिएटेड है, राइट? सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर नवंबर स्पोर्ट्स करंट अफेयर, और इसी के साथ जो नवंबर में जितनी भी स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमने इनको कवर कर लिया, और जो कल का लेक्चर होगा वहां पे हम दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स की न्यूज होंगी उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डू सो देन प्रेस द लाइक बटन, वट एवर द सजेशंस यू आर हैविंग रिगार्डिंग द वीडियो यू मे राइट इट डाउन इन टू द कमेंट बॉक्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।